नमस्कार दोस्तों, एकमात्र भरोसेमंद एनएस न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चले दोस्तों अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इट इज नॉट क्लियर एज टू व्हाई द प्राइम मिनिस्टर नॉर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आर नेग्लेक्टिंग द रिवीजन ऑफ पेंशन टू ईपीएस 95 पेंशनर्स इन स्पाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। दे आर गेटिंग मेजर पेंशन इन रेंज ऑफ आरएस 1000 टू 2500 ओनली एंड हाउ कैन द पेंशनर्स लीड देयर लाइफ इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन। The government should understand this fact and help the pensioners by revision of pension to a minimum of ₹7,500 to ₹8,000. Otherwise, many of these pensioners may die due to financial problem. जी हाँ दोस्तों, यदि उनकी पेंशन 7,500 से लेकर 8,000 तक नहीं हुई तो ये वित्तीय प्रॉब्लम के चलते मर जाएंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिले।